हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव्स का डिजाइन बनाना। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्किंग करना। ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा किया हुआ है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे स्लीव्स की। हमें चाहिए 5 इंच तैयार, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 5.5 निशान लगाएंगे। यहां से हम 9 इंच लेंगे। जो भी आपका नाप है, आप उस हिसाब से कटिंग करें स्लीव्स की। यहां हम 3 इंच निशान लगाएंगे। मार्किंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेंगे। मार्किंग हमारी सिंपली होगी। ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा शेप देंगे नीचे की तरफ से। ये बंद वाला हिस्सा है। इस तरह से हम शेप देंगे हल्की सी गोलाई में। इस तरह से और इसे हम कट कर लेंगे। शेप दी थी ये हमने कट कर लिए। ऐसे नहीं, यहां से अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने कट कर लिया है, इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये हमारे दोनों स्लीव्स ये कट चुकी है। अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें से हम पाइपिंग लगाएंगे इसमें स्लीव्स में। तो इसमें से हम और एक पट्टी काट लेंगे। ये हम करीब 2 इंच की काटेंगे और पट्टी। चौड़ाई इसकी 2 इंच होनी चाहिए। देखिए, हमने और एक पट्टी काट ली है। अब इसे अपने स्लीव पे अटैच करेंगे। इसे हम जो हमने नीचे वाला जो हिस्सा ये काटा था ना राउंड शेप में, इसे हमें यहाँ अटैच करना है। ये सीधा वाला हिस्सा है, ये उल्टा है, ये इसे हम सीधी तरफ अटैच करेंगे। जो हमने पट्टी काटी है, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड किया हमने पट्टी को। इसे यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से। Thank you.
ये देखिए पट्टी अटैच करने के बाद यहाँ हम कट लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। इसे हम उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे, एकदम बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इस यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इनमें सिलाई लगा ली है, हम एक स्लीव सुई दोनों पीसों में हमने पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। देखिए अब इसके बीच में हम डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए अब इसे हम वाइट कपड़े में से 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई की पट्टी काटेंगे हम। ये देखिए ये हमने 5 इंच लंबी 5 इंच चौड़ी हमने ये पट्टे काट लिए है, ये व्हाइट कलर की और ये हमने ब्लू कलर की काटी है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है हमें सभी पट्टियां। ये देखिए ये मैं सभी पट्टियां फोल्ड करके इस तरह से लगा लिए, देखिए दूसरे के ऊपर इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लिए। ये बिल्कुल जो हमारी ये नोक है बिल्कुल एकदम बराबर आनी चाहिए सबकी, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ हम बीच में सिलाई लगा लेंगे बड़ी, तो ध्यान से करना है आपको, ये सिलाई हम बड़ी कर लेंगे ताकि बाद में हम निकाल दें सिलाई को। ध्यान से करें, यही लेना हमारा। ये देखिए ये सिलाई लगा लिए बीच में, ये देखिए इस पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये देखिए हम एक तरफ से अटैच करेंगे इसको। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप इसे अटैच करें तो यहां से दोनों बराबर होना चाहिए बिल्कुल, इस तरह से यहाँ पे 2 इंच है तो 2 इंच हमारा यहां से होना चाहिए। इस चीज का आप ज्वाइंट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। चलिए हम ज्वाइंट करना शुरू करते हैं। ये देखिए एक तरह से ज्वाइंट कर दिया हमने, अब हम दूसरी तरह से ज्वाइंट करेंगे इसे। यहाँ से मिलाएंगे, जितनी लंबाई हमने यहाँ से रखी है सेम उस पर नापेंगे और उतनी ही रखेंगे इसे हम। ये देखिए ये हमारा यहाँ से 2 इंच है तो हम यहाँ से भी 2 इंच रखेंगे, 2 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर।
ऐसे निशान पर ऐसे इस तरह से सिलाई लगा। ये देखिए ये मैं दोनों तरफ से जॉइंट कर लिया। अब जो सिलाई थी बीच वाली इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इन्हें सिलाई निकाल दिए बीच की। ये हमारी स्लीव बंद करके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बनी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ।